नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज के वीडियो में हम आपको ऐसे पौधों के बारे में बताएंगे जिसे घर में लगाने के बाद आपके घर से गरीबी, निर्धनता, नज़र दोष, बीमारियां, सारी परेशानी, सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करके इस पौधे को अवश्य अपने घर में लगाए। जिस दिन यह पौधा अपने घर लगा लेंगे उस दिन से ही आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। गरीब से गरीब व्यक्ति इस पौधे को घर में लगाकर शीघ्र ही धनवान, सुख संपत्ति से परिपूर्ण हो सकता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से है वह पौधे। लेकिन प्रिय मित्रों, उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, वनस्पति शास्त्र के अनुसार जो पेड़ पौधे होते हैं यह हमारी जीवन में चल रही बाधाओं को समाप्त करते हैं। धन प्राप्ति करने में यह हमारी काफ़ी मदद करते हैं। पेड़ पौधों में कई दिव्य शक्तियों का वास होता है। पेड़ पौधों में अनेक शक्तियाँ समाई होती है। खासकर अगर हम पीपल की पेड़ की बात करें तो उसके अंदर समस्त देवी देवता तथा सकारात्मकता का संचार बहुत अधिक मात्रा में होता है। पहला शिवलिंग का पौधा, भगवान शिव ने इसे प्राचीन ग्रंथ में अपना स्वरूप बताया है। इसके बीज की आकृति शिवलिंग की तरह होती है, इसलिए इसे शिवलिंग का नाम दिया गया। यह पौधा जिस घर के आंगन में लगा होता है या फिर उस घर के आसपास लगा होता है तो ये पौधा उस घर को धन से भर देता है, क्योंकि इस पौधे की सुरक्षा स्वयं भगवान शिव के गण करते हैं। इस पौधे में शक्ति सिद्धियां वास करती है। ये पौधे जिस घर में भी लगा हो तो स्वयं भगवान शिव के गण ऐसे घर में आकर निर्धनता को, बीमारियों को, मुश्किलों को तथा परेशानियों को दूर कर देते हैं। जिस घर में शिवलिंग का पौधा होता है उस घर पर भगवान की कृपा स्वयं बरसने लगती है। दूसरा मधुमालती, इसकी जो सुगंध होती है जिससे कोई भी नहीं बच सकता, भगवान भी इसकी सुगंध से बच नहीं सकते। इसकी पुष्पों की माला माता लक्ष्मी पहनती है। इसकी मधुर सुगंध के कारण ही ये जिस स्थान पर होता है माता लक्ष्मी उस स्थान पर निवास करने लगती है। माता लक्ष्मी को इस फूल की सुगंध हर हाल में बुला ही लेती है। अगर आप अपनी निर्धनता से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये पौधा अवश्य अपने घर पर लगाए। ये पौधा जिस घर में भी लगा है वहाँ पर स्वयं माता लक्ष्मी घर में आकर निवास करने लगती है, जिससे घर धन दौलत से भर जाता है। तीसरा कनेर का पौधा। मित्रों, आपको बता दें कि कनेर का फूल काफ़ी लाभदायक होता है। जितना पुण्य आपको 10 स्वर्ण मुद्राएं दान करने पर मिलता है उतना फायदा आपको सिर्फ एक कनेर के फूल से मिल जाता है। और मित्रों, 1000 अर्क के फूल चढ़ाने का जो फल प्राप्त होता है वो केवल एक कनेर का पुष्प चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए कनेर के फूलों को शास्त्र में पवित्र फूल बताया गया है। मित्रों, अगर कोई कनेर की फूलों की माला बनाकर भगवान गणेश जी को पहना दे तो उसकी गरीबी, पिछले जन्म का दोष सब मिट जाता है। कनेर का पौधा घर में लगाने से स्वयं भगवान शिव को घर में बुलाने के बराबर माना जाता है। कहते हैं इस पौधे को भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। इस पौधों में समस्त देवीय शक्तियां समाहित होती हैं। जिस घर में यह पौधा लगा होता है तो वहां पर धन दौलत खींची चली जाती है। चौथा कड़ी के पत्ते का पौधा। कड़ी पत्ते का पौधा, जिसे कुछ लोग मीठा नीम भी कहते हैं, आपको कहीं भी आसानी से मिल सकता है। इसको लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। इन दोनों में से किसी भी एक पेड़ को लगाने से शनि, राहु और केतु तीनों प्रसन्न रहते हैं। तो मित्रों, यहाँ थे वह पौधे वास्तु के अनुसार घर में होने से सही माना जाता है। आइए जानते हैं उन पौधों के बारे में जो घर में लगाए जाए तो घर में नकारात्मकता अपना प्रभाव डालती है। शास्त्रों में इन पौधों को घर में लगाना सख्त मनाही है। यह पौधा आपके लिए बहुत ही अशुभ साबित हो सकते हैं, आपके रास्ते में रुकावट उत्पन्न कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं उन पौधों के बारे में। पहला मदर का पौधा। कुछ लोगों के घर में मदर का पौधा लगा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार इसे घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ऐसा माना जाता है जिन पौधों से दूध जैसा पदार्थ निकलता है वह पौधे नकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करते हैं, इसलिए ऐसे पौधे को घर में नहीं लगाना चाहिए। दूसरा खजूर का पेड़। कुछ लोग अपने घर में सजावटी तौर पर खजूर का पेड़ लगा लेते हैं, लेकिन खजूर के पेड़ को कभी भी अपने घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए,
माना जाता है कि इसको घर के अंदर लगाने से आर्थिक तंगी होने लगती है, साथ ही साथ पारिवारिक सदस्यों की तरक्की भी रुक जाती है। तीसरा, पीपल का पेड़। वैसे तो घर में पीपल का पेड़ नहीं लगाते हैं, लेकिन कई बार बारिश के मौसम में पीपल का पेड़ उग ही जाता है, जिसे कई बार लोग लगा रहने देते हैं। लेकिन वस्तु शास्त्र कहता है कि पीपल के पेड़ को घर में भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए, इससे आपको धन हानि होती है। यदि आपके घर में पीपल का पेड़ उग गया है तो उसे काटना नहीं, बल्कि उसे ले जाकर मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर लगा देना चाहिए। चौथा, बबूल या अन्य कांटेदार पेड़। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कांटेदार पेड़ नहीं लगाना चाहिए। बबूल का वृक्ष घर में या आसपास होना शुभ नहीं माना जाता। कांटेदार पौधे लगाने से घर में अशांति के साथ साथ दरिद्रता आ जाती है। पांचवा, इमली का पेड़। वस्तु शास्त्र के अनुसार घर या बगीचे में इमली का पौधा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि घर के आसपास इमली का पौधा शुभ नहीं माना जाता है। वस्तु शास्त्र में कहा गया है कि इमली का पौधा जहाँ होता है वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन में समस्या आने लगती है, परिवार के सदस्य को भी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। छठवा, नागफनी का पौधा। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए नागफनी का पौधा घर पर लगाते हैं। वस्तु शास्त्र में घर पर कांटेदार पौधे लगाने की मनाही है, इसलिए घर पर नागफनी के पौधे बिल्कुल न लगाए, इससे घर में कलह की स्थिति बनी रहती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। जय श्री कृष्ण।